वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर ऑफ शाह। आज मैं आपके साथ समर स्पेशल कैरी की चटनी की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि कैरी और पुदीने की तासीर जो है गर्मियों में शरीर को जो है ठंडक पहुंचाने का काम करती है, उसकी तासीर जो है ठंडी होती है, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। पुदीना की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैंने एक जो है बड़ी साइज में कैरी ले ली है। इसे जो है मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। सबसे पहले जो है हम इसे छिलकर जो है छोटे छोटे पीसेस में जो है कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने मिक्सिंग जार ले लिया है। अब जो हमने कैरी कट कर ली है ये हम इसमें डाल देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने हैंडफुल जो है पुदीने की पत्तियां ले ली है, इसे भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हैंडफुल मैंने हरा धनिया ले लिया है धुला हुआ, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो है 8 से 10 कड़ी पत्ते की पत्तियां ले ली है, ये हम इसमें डालेंगे। अदरक का टुकड़ा लिया है, यहाँ पर 6 से 8 लहसुन की कलियां ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। 6 से 7 जो है मैंने हरी मिर्च ली है, अब अपने तीखे के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं। काफी हम इसमें नमक डालेंगे और बस थोड़ा सा जो है हम इसमें पानी डालेंगे और इसे पीस कर जो है हम चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर चटनी को हमने पीस लिया है। अब और बढ़िया से टेस्ट के लिए जो है यहाँ पर जो है मैंने आधा कप भुनी हुई मूंगफली ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। हमें जो है इसे बारीक नहीं पीसना है और दोबारा से जो है इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मजेदार की जो है हमारी जो है कैरी पुदीना चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे जो है एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन जो है हम इसमें एक और एक चीज ऐड करेंगे जिससे जो है चटनी का फ्लेवर जो है और उभर कर आएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने एक बड़ी साइज की प्याज ली है, इसे जो है हम स्लाइस में कट कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को जो है हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अब जो है हल्के हाथों से हम इसे जो है इस तरीके से मैश कर लेंगे। सारी प्याज को जो है उठाकर हम चटनी के अंदर जो है मिक्स कर लेंगे। इसे जो है आपस में हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो है इस चटनी को जो है बिना प्याज मिलाए 3 से 4 दिन तक जो है एयरटाइट कंटेनर में जो है रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसका लुत्फ जो है आप पराठे रोटी या प्लेन दाल चावल राइस आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह इसे जो है खाने में यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी मजेदार सी कैरी की चटनी की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप इसे जो है जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।